रविवार को उपायुक्त राम निवास यादव अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ शहर निरीक्षण करने के लिए सड़क पर उतर गए, जहां उन्होंने कोविड संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर का निरीक्षण किया और सड़क किनारे लगे सभी दुकानदारों को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वह वैसे स्थान पर दुकान लगाएं जहां फील्ड हो और भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो सके। आगे उन्होंने सब्जी मंडी सहित अन्य भीड़ भाड़ वाले जगहों को फील्ड में लगाने के निर्देश दिए। साथ ही रेलवे स्टेशन परिसर में कोविड टेस्ट कैंप लगाने के भी निर्देश दिए, जिससे कि हर यात्रियों को आने जाने वाले यात्रियों की ये रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि दोनों तरफ काफ़ी इलीगल एनफोर्समेंट करके कुछ लोग दुकान चला रहे हैं, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बाहर से आने वाले यात्री भी दुकानों पर जाते हैं, शहर का लोग भी उस दुकानों पर आता है, तो दोनों तरह का लोग इस जगह पर आ रहा है और वो एक जगह बन जा रहा है जहाँ पर सरफेस बन जा रहा है जहाँ से संक्रमण फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अभी दोनों तरफ के जो 100 मीटर में जितनी भी दुकानें हैं जो इलीगल चल रही हैं इंक्रोचमेंट करके, वो सबको बंद कर दिए हैं, नेक्स्ट आदेश तक सबको दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बोल दिया गया है। जहाँ जगह मिलता है, जहाँ लीगल जगह है या किसी मैदान में ये लोग शिफ्ट कर लें अपना, अगले जब तक आदेश और जब तक स्थिति सुधरती नहीं है तब तक के लिए। साथ ही साथ अभी स्टेशन पे जितने भी ट्रेन से लोग आ रहे हैं हम लोग उनका यहाँ टेस्टिंग भी कर रहे हैं, एक पॉइंट हम लोग टेस्टिंग का यहीं रेलवे स्टेशन के गेट पे बनाए हैं। यहाँ पे आने जाने वाले जितने भी आने वाले व्यक्ति हैं जो बाहर से जिलों राज्यों से या बाहर के जिलों से भी आ रहे हैं, उन सबका यहाँ पे टेस्टिंग कर सर कल देखा गया सर आपने।